आप लोगों ने संचालक महोदय डॉक्टर जितेंद्र जी की तरफ से शोहर गीत सुना। कहवा जन्म ले भगवान बुद्ध, कहवा रविदास जन्मे हो, कहवा जन्मे बाबा भीम, तो कहां का श्री राम जन्म हो। काहे ठाकुर लोग जन्म ले इस राज से, विषमता जात की प्रथा जुर्म और अत्याचार को मिटाने के लिए महान महापुरुषों का जन्म हुआ। सामने हमारी माताएं बैठी हुई बड़ी देर से, आई लोग बहुत चुपचाप बैठल वालो, हम बोले, सुरेंद्र बोलो, डॉक्टर साहब भी बोलो, लेकिन इन्हें लोग कुछ हमारी समझ में ना आयल कि इन्हें लोग कुछ नीक लागल बा कि ना आयल, बुझाइल कि ना बुझाइल। लेकिन देश की आधी आबादी ये माताएं, कई बेटी का रूप है, कई बहन का रूप है, तो कहीं पत्नी के रूप में है। इंसान की जिंदगी में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनका जो दुनिया में नाम हुआ या संघर्षों का जो कारवां रहा है, उसके पीछे इन माताओं का बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा त्याग और बलिदान रहा है। और ये पुनः पुरस्कार 100 रुपए का पुरस्कार हमारे आरके वेल्डिंग मटेरियल्स के मालिक बड़े भैया राम मिलन यादव जी, जिनकी सीमेंट वालों गिट्टी सरिया की दुकान सामने बंधे पर है, द्वारा से लेकर के बंधा किए पार और बंधा किए पार दोनों राज कलम के चलत बा। बढ़िया बा भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग संपर्क करें और अच्छी चीज, अच्छी क्वालिटी अपने दुकान से, अपने गांव घर की दुकान आदमी मधुबन जाए तो वही गांव में यहाँ ले ली, सुखी चोरी में का दिक्कत बा। तो सेवा उपलब्ध है, हमारे भाई को अवसर दे, आता नहीं मनी आपके यहाँ पे चल रही है, का दिक्कत बा। व्यवहार ऐसा चीज बा कि आदमी कहीं से कहीं चल जाए। जब अडानी अंबानी के आप ब्रिटानिया के बिस्कुट गांव की झोपड़ी में पहुंच जात बा, वही सेलिंग की व्यवस्था है, आदमी के जहां ले जुगाड़ पहुंची तहां ले माल पहुंची। बहुत बहुत शुभकामना है दुकानदारी चमके, राम लंबिया के प्रणाम बात, भाई लोग के प्रणाम बात। तो हम बता रहे थे, देखिए हमारे एक और साथी, यह तुम्हारा बांगर के बलकार, लेकिन ये बाबा साहब की कर्तव्य कमाई से कई लोग बहुत समाज में सम्मान बोले बारा मिलन भाई, ये बाबा साहब की देन से बैठे हैं जो कुर्सी पर, अजय कुमार मास्टर साहब। लेकिन बता आदमी पहले से कहले बात, नाई में पानी बढ़ेला तो उसे उधर जाला, नाई में पानी बढ़ेला तो उसके बाहर फेंकल जाला, यही में भलाई है। आए आदमी के पास जब धन बढ़ेला तो उसके खर्चा करे चाहिए आदमी के दिल खोल के। मास्टर साहब जरूरत ना बढ़ा तो बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है। मैं बता रहा था जो माताएं हमारी बैठी है, बाबा साहब बड़ोदरा रियासत के राजा के शर्त के मुताबिक वो जीठा लेकर के विदेशों में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इधर घर पे बाबा साहब की पत्नी रमाबाई जी, भाई देखिए जीएसटी के हिसाब से काम होना चाहिए, आप लोग तो खुद गुरु हैं हमारे, अजय मास्टर साहब भाई साहब के द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ये बाबा साहब का मन से भाई मैं इन्होंने न बुलाई, बात और सम्मान है और सही है कि इन लोगों की दुआ नहीं होती तो हमारे समाज से अब कोई मास्टर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाता। बहुत बहुत सम्मान सब लोगों के प्रणाम, जय भीम जय भारत। बाबा साहब पढ़ रहे हैं, इधर बड़ी खस्ता हाल थी परिवार की, रमाबाई के पास छोटे छोटे मासूम बच्चे
जिनको कपड़ा रोटी और दवा की इतनी दिक्कत थी, आप लोग थोड़ा थोड़ा लगे रहेंगे। इधर कवि जी भाव इस मुकाम पे लिख रहे हैं, भाव स्थल यहां है कि एक परिवार का गार्जियन बाहर तो कमाता है, पढ़ता है, लिखता है, पर हर परिवार में जो नारी के रूप में भूमिका वा एगो घर की गृहिणी के रूप में घर के अपने परिवार के लेकिन के लकड़ी लौना पढ़ाई की व्यवस्था दवाई की व्यवस्था कैसे मेहरारू चलावे ले। बाबा साहब पढ़े टेलीफोन का जमाना नहीं था, बाबा साहब विदेशों में पढ़ते थे तो चिट्ठी से हाल चाल होते। रमाबाई अपनी पत्नी को, हर मर्द अपनी पत्नी का कोड भाषा में कुछ नाम जरूर रख लेता है। भैया कमेटी वाला, कमेटी आप लोग डिस्टर्ब मत करिए, शांति से बैठिए। ना चल पाई जो हमने दर उधर बड़ी चलना पाई। आप लोग उपनाम से फोटो थोड़ा पांच मिनट के बाद मिले सकते हैं, बैठ जाइए थोड़ा सा, मत मात पांच मिनट बैठिए, ज्यादा नहीं पांच मिनट बैठ जाओ, मंच बराबर बैठ जाइए। और मंच खाली भी बैठ जाएंगे तो चुनाव बढ़ जाएगी। लेकिन गौर करिए जो मैं कह रहा हूं, एक मनोरंजन नहीं हो रहा है। एक औरत रमाबाई को बाबा साहब भी और मिलकर अपनी पत्नी को बड़े प्यार से रामू कहते थे। चिट्ठी में हाल साल पूछे बाबा साहब से, रामू लेकिन के तबियत कैसे बा, लेकिन के पढ़ाई लिखाई कैसे चलत बा, घर के रोजी रोटी लकड़ी लोना कैसे चलत बा, कई लिखत बड़ी चिट्ठिया में जवाब में कैसे पुरस्कार हमारे बड़े भैया वशिष्ठ यादव जी, जिनके मकान में हमारे राम मिलन भाई की दुकान है, ये हमारे द्वारा के रहने वाले हैं। लेकिन अभी गार्डन पर लोग आ गए द्वारा अब आंगन की डांड पर, मालिक से प्रार्थना रहेगी बाबा साहब से दुआ दया लगे या आप और आगे जाएं, उन्नति करें, समाज में नाम रोशन करें। आशीर्वाद सो पुरस्कार जय भूंजय भारत सब भैया लोग के प्रणाम। रोड के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, रात की बेला में अंबेडकर बाबा साहब की दुल्हन रमाबाई गोबर जोने के कहल जाना जानवर, चलता जानवर जो गोबर करें वही गोबर के बिटोर के और वही से गोहरा गोठा पात के बाजार में बेच के लेकिन के दवाई के लेकिन के रोटी के काम चले, वही में से कुछ पैसा बचावे भी पेट काट के तने कम खा के काहे खातिर पैसा बचावे, आधा पेट खा के कुछ काहे खातिर पैसा बचावे, रुपया विदेश में पठाओ देखो सही के अपार, रुपया विदेश में पठाओ
पैसा ना आटे, रात रात भर पढ़ करके, रात रात भर जाग करके पढ़ाई करने का काम करते थे। जब भोजन ना मिले तो शाम के बिस्कुट खा करके और कुरकुरे खा करके पानी पी करके रात्रि का समय गुजार लेते थे। लेटर में बाबा साहब लिखलन कि हमारे पढ़ाई खातिर रुपया कम पड़ जाता था, अपने दुल्हन रमाबाई के ग्रामू अगर कुछ पैसा हो घर पर बचा भुजा तो आप मेरी पढ़ाई में सहयोग करने के लिए, मैं अपने बहुजन समाज के लिए, भारत में तमाम शोषित दबे कुचले लोगों के लिए आज रात रात भर जग रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं। रामू अगर कुछ पैसा हो तो मुझे भेज देना। तो लाख फूल के लकड़ी बेचे के पड़े, गोईठा बेचे के पड़े, लेकिन वही में से पेट काट के रुपया भी देश में साहब ने उत्तर दिया था कि आप लोगों के समाज के लोग जगे हुए हैं, इसलिए आप लोग रात भर सोते हैं, लेकिन हमारा समाज, दबा समाज, अशिक्षित समाज, शोषित समाज सोया हुआ है। मैं अपने समाज को जगाने के लिए रात रात भर जगता हूं। कितनी दिक्कत, कितनी मशक्कत बाबा साहब ने सहा। चार चार बच्चे दवाई और रोटी पढ़ाई, बाबा बनले महान हो, अब तक हम के मिल संविधान हो, जन्म सिर्फ
जाकर के लोग तमाम शोषित समाज के, दलित समाज के, एसटीएससी समाज के लोग अधिकारी कर्मचारी जब बने तो बाबा साहब ने आगरा के अपने आखिरी अधिवेशन में कहा था कि सबसे ज्यादा धोखा हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने दिया। जो गांव का पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, मिशन के नाम पर, कारवा के नाम पर आंख मून करके अपनी जिंदगानी को लुटा दिया, जवानी को लुटा दिया, लेकिन जिन्होंने आरक्षण को पाया और नौकरी पाया, मास्टर साहब अजय कुमार जी, जो जो नौकरी को पाया सारे लोग टीवी और बीबी में मस्त हो गए और मिशन को भूल गए। ये मैं नहीं, बाबा साहब ने कहा था अपने अधिवेशन में। एक बार एक छोटी सी घटना बता रहा हूं। माननीय कांशीराम साहब एक बड़ा ऑफिसर, ऊंचे होने वाले ऑफिसर के यहां गए और कहा कि साहब आप जैसे पैसे वाले और विद्वान लोगों की इस मिशन में जरूरत है, अगर आप लोग लग जाए तो हमारे गरीबों का भला हो जाएगा, समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो अधिकारी ने जवाब दिया था कि साहब कोई बात नहीं, अरे भाई हम लोगों को फुर्सत नहीं मिल पाती है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी तो अपने ही हैं और आपके मेहनत से ही हमारे समाज का नाम हो रहा है, तो क्या दिक्कत है। तो कांशीराम साहब ने जवाब दिया था उस अधिकारी को, ठीक है आपकी लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, आपके नौकरी से मैं कहनी है, आप एक तनख्वाह पा रहे हैं, आप सबल हैं हर तरीके से, तो आपको मौका नहीं है, आपको धन देने के लिए व्यवस्था नहीं है, हम गरीब दिन रात लड़ते हैं, लोगों से चंदा मांगते हैं, पैदल चलते हैं, साइकिल से चलते हैं, तो जरा हमको एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर बगल वाले के मेहनत कर देने से आपकी बीवी को बच्चा पैदा हो जाए तो हम समझते हैं कि आप जैसे लोगों के लिए कोई दिक्कत हो और अच्छी बात हो जाएगी। इसलिए जो भी आपका ही बगल का आदमी है, आपका पड़ोसी अगर मेहनत कर दे, आपके बीवी को लड़का हो जाए तो आपकी परेशानी तो और हल्की हो गई। तो अधिकारी का सर शर्म से झुक गया चेहरा कि आप हमें गाली दे रहे हैं। कांशीराम साहब ने कहा था कि हम आपको गाली नहीं दे रहे हैं, आपने जो सवाल किया है उस सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। मेहनत की जरूरत है, अगर बाबा साहब ने सोच लिया होता, जितनी डिग्री बाबा साहब ने लिया आज तक भारत की धरती पर कोई डिग्री उतनी नहीं लिया। चाहते अगर पैसा कमाना, दुनिया में पद प्रतिष्ठा कमाना, तो ऐसे आराम की पूरी दुनिया में जिंदगी बीतती, इंडिया में रहने की उनको कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्या जरूरत थी अपने परिवार को मौत के मुंह में ढकेलने की। ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ करके मिशन को तैयार किया गया, बाबा साहब का कारवां चला और आज इस मुकाम पे हम, इसलिए आखिर लाइन में कहना है पुरस्कार दिया गया। हमारे तीन साथी बैठे हैं, ये तीनों जानी में एक जानी का नाम हमसे फरियाई ना का कहल हम, तो भाई हम सुना चाहब, हम समझते हैं कि आप लोगों का तीनों लोगों का पुरस्कार है, जेकर हुई हो भला, जेकर ना हुई हो भला, सब लोगों के प्रणाम बा, जय हिंद नवबुधाय। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, ये मूल मकसद सब कुछ कहने का यही है।
तो जो लोग यहाँ बाते वो लोग से कहना बा हमार रूप से जब एक भीमराव अंबेडकर ने इस सारे गुलामों को सारे अछूतों को सारे बहुजनों को आजाद करा दिया और ये सारे 85% के बहुजन मिलकर के और ये संविधान को पा करके भी हम लोग केवल लाचार और लाचार हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम उनके लायक औलाद नहीं है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। ये हमारे वशिष्ठ